सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पीट्रॉन ने एक बेस्ट बजट ANC एयरबड को मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको 32 dB का नॉइस कैंसिलेशन अवेलेबल मिल रहा है और साथ ही में ट्रांसपेरेंसी मोड भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जिसके हेल्प से आप हेडफोन के अंदर और बाहर दोनों तरफ का एकदम क्लियर सुन पाओगे। और ये फीचर्स जॉगिंग के लिए और जिमिंग के लिए एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि अपने को सराउंडिंग में भी सुनना पड़ता है कि क्या चल रहा है। और ये है पीट्रॉन ZenBuds 1V2 और आप इसका लुक देख सकते हो भाई, लुक्स में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और एक लक्जरी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, लुक्स में मस्त है। स्पेशली व्हाइट कलर कमाल लग रहा है देखने में। और भाई अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो फुल्ली लोडेड है, 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है, साथ ही में 40 milliseconds का लो लेटेंसी भी आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए और बेटर माइक एक्सपीरियंस के लिए इसमें आपको टोटल मिल रहा है क्वाड माइक, सिंगल बर्ड में ड्यूल माइक का इस्तेमाल कर रखा है ENC नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ ही में 40 hours का म्यूजिक प्लेबैक है और क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिसके हेल्प से सिर्फ 90 मिनट में 0-100 चार्ज हो जाता है 10 watt चार्जर से। और क्विक पेयरिंग का भी फीचर्स आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है, इससे क्या होगा जैसे आप केस को खोलोगे क्विकली आपके फोन के साथ पेयरअप हो जाएगा, आपको बर्ड्स भी निकालना नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा फास्ट है इसका क्विक पेयरिंग। और 13mm के लास्ट ड्राइवर का इस्तेमाल कर रखा है फॉर बेटर लाउडनेस एंड बेस, और IPX5 का वाटर रेटिंग भी है, जिस वजह से हल्का फुल्का पानी भी लग गया तो कुछ होगा नहीं इसे। और आपको ये प्रोडक्ट दो कलर्स में अवेलेबल मिल रहा है। और दोस्तों इसका प्राइस कितना है, सिर्फ 1399 rupees में, लो बजट में बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है आपके घर पे। तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट पसंद आए तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स, ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं तो ऊपर आपको पीट्रॉन का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साइड में मेड इन इंडिया को प्रिंट कर रखा है और यहीं पर अपना प्रोडक्ट का ड्रॉइंग है, नीचे की तरफ ZenBuds 1 एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को प्रिंट किया है, बॉक्स के साइड में अपने कुछ की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर को प्रिंट किया जो कि प्रूफ करता है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ प्रोडक्ट है, टेस्टेड है। और यहाँ पर ENC को प्रिंट किया है, चार कलर में आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाएगा, अभी तो फिलहाल दो कलर में ही अवेलेबल है। और बी लाउड बी प्राउड इनका टैगलाइन है, कूल लग रहा है सुनने में। और पीछे की तरफ ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, MRP प्राइस। तो चलिए अभी जल्दी से डब्बे को खोल लेते हैं। तो भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़िया है, सिर्फ एक ही पेपर वर्क इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, पेपर वर्क के नाम पे ज्यादा पकाया नहीं है। और पीछे आपको दो QR कोड अवेलेबल मिल रहा है, एक है यूजर मैनुअल डाउनलोड करने का, दूसरा है वारंटी रजिस्टर करने का। एक्सेसरीज में क्या है, यह है टाइप सी चार्जिंग केबल, क्वालिटी काफी बढ़िया है लेकिन थोड़ा छोटा है। और यह है ब्लू कलर का, दो जोड़ी 8 tips लार्ज एंड स्मॉल, मीडियम साइज का अपने बर्ड्स पे लगा है। और अभी क्लोज लुक केस की तरफ, सो भाई केस का लुक बहुत ज्यादा बढ़िया है, ऊपर आपको पीट्रॉन का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और यहीं पर इन्होंने अपने लोगो को भी प्रिंट कर रखा है और एकदम ग्रॉसी व्हाइट कलर का फिनिश है, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रीमियम और एक लक्जरी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे आपको एक LED देखने को मिल रहा है जो कि है नोटिफिकेशन LED, जब भी आप केस को खोलोगे, बंद करोगे, चार्ज करोगे तो ये लाइट जलेगा। और साइड में इन्होंने पैरेलल डिजाइन भी बना रखा है डिफरेंट कलर का, जिस वजह से पकड़ने में एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करेगा और इसके लुक्स को भी इनहेंस कर रहा है। और भाई यहाँ पे कोई कलर नहीं चढ़ा है, प्लास्टिक का कलर ही ब्लू है, जिस वजह से इन फ्यूचर कलर भी नहीं उतरेगा, हमेशा कलर ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ का नहीं पूरे केस का, पूरे केस में आपको कहीं पर भी आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलेगा। और ऊपर का लुक कुछ ऐसा दिखता है, नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल मिल जाएगा और पीछे यूनिक नंबर को प्रिंट कर रखा है। और केस का ऑल ओवर लुक एंड शेप आप देख सकते हो, एकदम कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है, जिस वजह से कैरी करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ज्यादा जगह नहीं लेता, जींस के साइड में जो छोटा पॉकेट होता है वहां पर इजीली एडजस्ट हो जाएगा। और भाई इसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, जिस वजह से इजीली एक हाथ से आप केस को खोल सकते हो। और केस खोलने के बाद अभी आप ईयरबड्स का लुक देखो भाई, लुक्स से मस्त है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में, लुक्स में कमाल लग रहा है। और भाई बर्ड्स का लुक भी बहुत ज्यादा प्रीमियम बनाया है, यहाँ पर आपको पीट्रॉन का लोगो देखने को मिल रहा है और यहीं पर ही नोटिफिकेशन LED फिट कर रखा है, इसके ऊपर जो इन्होंने डिजाइन बनाया है यह है इसका टच एरिया जो कि काफी ज्यादा बड़ा रखा है, जिस वजह से टच का रिस्पांस काफी बढ़िया मिलेगा आपको। और ऊपर इन्होंने दो होल प्रोवाइड कर रखा है जो कि है ट्रांसपेरेंसी मोड के लिए, और दूसरा होल है माइक का, यहाँ पर फिट है इसका फर्स्ट माइक। और एकदम नीचे आप एक और होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका सेकंड माइक। और ऑल ओवर आप बर्ड्स का लुक देख सकते हो, ड्यूल कलर ईयरबड्स कमाल लग रहा है देखने में, लुक्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम बनाया है। मैट ब्लैक कलर का फिनिश है आगे के साइड और बीच में इन्होंने ग्रॉसी व्हाइट कलर का फिनिश प्रोवाइड कर रखा है, और पीछे की तरफ भी इन्होंने ग्रॉसी ब्लू कलर का फिनिश प्रोवाइड किया जो कि भाई मस्त लग रहा है, डबल कलर कॉम्बिनेशन कमाल लग रहा है देखने में। और अभी फंक्शन देखिए तो सिंगल टच से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पिक कॉल एंड कर सकते हो, कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको डबल टच करना पड़ेगा, ENC ट्रांसपेरेंसी एंड नॉर्मल मोड के बीच स्विच करने के लिए आपको 2 seconds लॉन्ग टच करना है किसी भी वर्ड्स पे, वॉइस असिस्ट एक्टिव करने के लिए आपको 4 touch करना है, गेम मोड ऑन ऑफ करने के लिए आपको ट्रिपल टच करना पड़ेगा, नेक्स्ट सॉन्ग एंड प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको डबल टच करना है, वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स आपको बर्ड्स में नहीं मिल रहा है, आपको अपना डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो दोस्तों ये है अपना बर्ड्स, और उल्टा करके अगर आप झटका मारोगे तो भाई नहीं गिरता है, बर्ड्स का मैग्नेटिक बहुत ज्यादा बढ़िया और इसका फील एंड कंफर्ट भी बहुत ज्यादा मस्त है, पूरा दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके कानों में किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होगा।
और इसका टच का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है, हमेशा रिस्पॉन्स करता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता। और आप लुक देख सकते हो भाई, कानों में पहनने से मस्त लगता है देखने में। और 32 dB का नॉइस कैंसिलेशन है, जिस वजह से सराउंडिंग नॉइस के 80% नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है, जब आप सॉन्ग नहीं भी चलाओगे तब की बात कर रहा हूं। और भाई लाउडनेस इसका बहुत ज्यादा बढ़िया है, और साउंड एक्सपीरियंस देखा जाए तो वोकल्स एकदम लाउड एंड क्लियर आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है, और ट्रिबल छनकार भी काफी अच्छा है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है इसका छनकार, सुनने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, कानों में मस्त छन छन समारता है, हाई वॉल्यूम में इसका ट्रिबल कानों में चुभता नहीं है। तो भाई चीज काफी बढ़िया लगा। और रही बात बेस का, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा हाई पावर बूम पंची बेस सुनने को मिल रहा है, बेस का क्वालिटी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, पंची है, एकदम सर हिलाने वाला बूम पंची बेस है इसमें। इसके बेस को मैं 10 में से 9 स्टार दूंगा भाई, बेस बहुत ज्यादा बढ़िया है, स्पेशली बेस का क्वालिटी सुपर्ब है, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहोगे। और भाई म्यूजिक सप्रेशन भी बहुत ज्यादा मस्त है भाई, म्यूजिक लवर्स के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप म्यूजिक के दीवाने हो तो आपको ये लेना ही चाहिए, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहोगे। तो चलिए अभी गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और इसका मैंने गेम मोड ऑन कर रखा है, चलिए चेक कर लेते हैं कि लो लेटेंसी कैसा है और पिंग कितने का रहा है मेरा। अप्रोक्स 44 का पिंग का रहा है, तो चलिए देख लेते हैं अभी। अभी स्लो मोशन में देख लेते हैं एक बार। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठीक है, आप गेमिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, साउंड का डिले बहुत ज्यादा कम आपको महसूस होगा जैसे कि आपने स्लो मोशन में देखा है। तो चलिए अभी एक माइक परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको ENC मिल रहा है क्वाड माइक के साथ। सो दोस्तों पीटोन है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और सुन सकते हैं कि कैसा है इसका माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और मेरे आगे भी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइस है, और अगर ये हेडफोन इस नॉइस को रिड्यूस कर पा रहा है तब तो भाई सीलिंग फैन के नॉइस को इजीली रिड्यूस कर सकता है। और अभी हम लोग इस पे एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको ENC नॉइस कैंसिलेशन मिल रहा है और वो भी क्वाड माइक के साथ। सो दोस्तों ये मेरे पास रेजर बहुत ही ज्यादा मस्त है, देख लो मेरे बाल उड़ रहे हैं को रिड्यूस कर पा रहा है यानी, और भाई बहुत ज्यादा हैवी एयर है। और अभी आप सुनो कि अगर नॉइस सामने से आएगा तब कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। बाइक राइडिंग के टाइम सामने वाले को ऐसा ही आवाज सुनाई देगा जैसे कि आप अभी सुन रहे हो, तो बस दोस्तों इतना ही साफ। बाइक राइडिंग के टाइम सामने वाले को ऐसा ही आवाज सुनाई देगा जैसे कि आप अभी सुन रहे हो, तो बस दोस्तों इतना ही साफ। सो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका माइक एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़िया है, आवाज को एकदम क्लियर तरीके से एंड लाउड तरीके से ग्रैब कर रहा है, और भाई ये एकदम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि भाई 1400 इसका प्राइस है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फीचर्स बहुत ज्यादा है, साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया है, गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, और भाई ENC नॉइस कैंसिलेशन सुपर्ब है, और साथ ही में ट्रांसपेरेंसी मोड भी कमाल का इसका, बाकी सारे ट्रांसपेरेंसी मोड के कंपैरिजन में इसका मोड थोड़ा ज्यादा ही लाउडर है, बाहर का आवाज आप थोड़ा ज्यादा ही क्लियर इसमें सुन पाओगे, तो भाई ये चीज काफी बढ़िया लगा मुझे। तो भाई आप इसे ले सकते हो, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहोगे इसके लुक को लेकर, इसके साइज को लेकर और इसके परफॉर्मेंस को लेकर। और दोस्तों इन्होंने IPX5 का वाटर रेटिंग दिया, जिस वजह से अगर हल्का फुल्का पानी लग गया तो कुछ नहीं होगा, बोले तो भाई गीला हाथ लग गया, पसीना लग गया, पूरी तरह से सेफ रहेगा, लेकिन आपको इसे पहन के स्विमिंग पूल में, नदी तालाब में या फिर बारिश में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि भाई ये वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो बस इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।